गाइड रूम में आप सबका स्वागत है। मैं हनीफ शेख, फिर एक नया इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मुमरा में जो है हमारे जितेंद्र अवार साहब जो एक्स कैबिनेट मंत्री थे और है, वो उनका आज जन्मदिन था 5 अगस्त। और आज जो है ऐसा लगता है कि यहाँ पर हर जगह कुछ एक फेस्टिवल चालू है, ऐसा लग रहा था। इसमें गरीबों के लिए बहुत सारी सुविधा थी, कई लोगों के राशन कार्ड के लिए, कई लोगों के जितने डॉक्यूमेंट्स थे इनकम सर्टिफिकेट वो, और जो विकलांग बच्चे थे उनको और स्कूल के बच्चों को फीस वगैरह बांटी गई। आइए दिखाते हैं। उनका चेक है चौधरी सायरा बानू के नाम पर, चौधरी सायरा बानू। फारूकी शाहनूर फातिमा, फारूकी शाहनूर फातिमा, अगर है तो आ जाए जल्दी। फारूकी बच्चे लोग अभी आ जाओ बेटा, आगे निकलो। समीम भाई सामने, समीम भाई। सचिन डावड़े साहब हमारे टाइगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, वो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब का सत्कार कर रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। सर का बहुत बहुत शुक्रिया तालियों के साथ। और इसके बाद हमारे उमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अशोक कडलक साहब भी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। 10 मिनट साहब अपने हाथों से अच्छा प्रिंटर किसका है, वो है यहाँ पे, नाम बोलो प्रिंटर का। जफर भाई नेता डॉक्टर जितेंद्र साहब के पैदाइश के मौके पे उन्हें तोहफा दिया जा रहा है, अल्लाह इसे कबूल करे। जामिल गुड्डू खान गुजरा साहब, यही लोग हैं भाई। देखिए व्हील चेयर के बाद बहुत सारे लोगों को जो भी इनामात अभी उनको मिलना है, साहब को और भी प्रोग्राम को अटेंड करना है। तो ऊपर हाथ ले लो, नजमा भी, अब्दुल गफ्फार शेख है तो ऊपर हाथ ले लो, नजमा भी, अब्दुल गफ्फार शेख, फारूकी शाहनूर फातिमा, अगर है तो आ जाए जल्दी। फारूकी हबीब, हाँ जी का हिंडी का बच्चे के, हाँ हाँ चेक है, चेक का नाम है उम्मे हबीब, उम्मे अहमद रजा शेख, बराबर है। नहीं मुझे लगता है कि जो हैंडीकैप है उनको ऊपर मत बुलाओ, ओके बोलो, उनके हाथ में जाके दे दो। ठीक है ठीक है, ऐसे बेचारे माँ उसको उठा के लेके आई, अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट कौन चेक रहेगा अभी, अभी प्रिंटर के लिए कौन है, प्रिंटर के लिए कोई प्रिंटर, किसका नाम किया नाम भाई, उनका नाम है इशरत आशिक अली अब्दुल रज्जाक सुरवे, आशिक अली, आशिक अली अब्दुल रज्जाक सुरवे, आशिक अली अब्दुल रज्जाक सुरवे यहाँ मौजूद है। राजेश जयसिंह माने, राजेश जयसिंह माने, राजेश जयसिंह माने है यहाँ पे, राजेश जयसिंह माने। शहर के तमाम हमारी जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं, हमारी बहनों की जानिब से, हमारे भाइयों की जानिब से, हमारे दोस्तों की जानिब से, हमारे पार्टी के परिवार की जानिब से, हमारे फैमिली की जानिब से, मैं हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब को उनके योम पैदाइश के मौके पे उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाब रखे, तंदुरुस्ती दे। बहुत सारे सपने हैं उनके, देश और दुनिया और मुमरा कलवा को लेकर के, जहाँ के वो MLAs भी हैं, अल्लाह ताला उसे पूरा करे और उसमें उनकी मदद हो। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार ये उन्हें आश्वासन दिलाता है, ये उम्मीद दिलाता है कि हम आपके साथ हैं और हमारे नेता के साथ हैं। पार्टी की पूरी टीम, संगठन पूरी, आज जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ की है, इसे मैं सबसे पहले मेरे तमाम दोस्तों को, तमाम साथियों को, पार्टी के पदाधिकारियों को, मैं तमाम पेरेंट बॉडी के तमाम साथियों को, ब्लॉक प्रेसिडेंट, जो भी जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, वार्ड अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट, तमाम बूथ अध्यक्ष, मैं महिला अध्यक्ष, महिलाओं की हमारी जितनी बहनों ने आज काम किया है, बहुत सराहनीय काम किया है। देखिए इतना बड़ा प्रोग्राम को आयोजित करना कोई खाने काम नहीं होता है। मैं कहूँ कि मैं कर लेता हूँ तो गलत हो जाएगा,
हमारे तमाम साथियों का कंट्रीब्यूशन इसमें होता है जावेद भाई, सपोर्ट होता है, नॉट कंट्रीब्यूशन, सपोर्ट होता है, और सपोर्ट सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि तकरीबन आपने पूछा क्या क्या किया गया, तो हम आपको बता देते हैं कि आज हमारे नेता को सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश किया गया। अशूरा का महीना चल रहा है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई आतिशबाजी नहीं, कोई पटाखे नहीं, कोई केक नहीं, हमने जो ममानियत है हमने उसे पूरा ध्यान दिया, ऐसा कुछ हमने नहीं किया। लेकिन गरीब मुस्तहिक तक जो एक इमदाद पहुँचे पार्टी की तरफ से, हम लोगों ने पहुँचाने का पूरा काम किया है। तकरीबन 300 स्टूडेंट्स को बैग, कंपास बॉक्स, किताबें दी गई है। तकरीबन 400 महिलाओं को, हमारी बहनों को, बहुत सारी गरीब मिस्कीन जो होती हैं उनके लिस्ट आना चालू हो जाते हैं 10 दिन के पहले से, 5 तारीख के, उनके लिए हम लोगों ने 400 ड्रेसेस दिए हैं। उसके अलावा विकलांग सेल के जो हमारे तमाम साथी हैं, 10 लोगों को व्हीलचेयर दिया गया है अच्छी क्वालिटी का, कुछ लोगों को पकड़ के चलने वाला स्टैंड भी दिया गया है हैंडीकैप लोगों को, कुछ लोगों को प्रिंटर्स दिए गए हैं, और कुछ लोगों को यहाँ पे जो है प्रिंटर्स के अलावा हैंडीकैप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ड्रेसेस भी दिए गए हैं। और हाँ, जो 20 बूथ थाने महानगर पालिका की जानिब से हमने प्रोवाइड कराई है, उनको मैं कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने विकलांग भाइयों को बूथ दिया है। लेकिन बूथ कहीं ना कहीं खाली था, बेचारे मुस्तहिक थे, तो किसी को 10,000 का, किसी को 5,000 का उसमें सामान डाल करके दिया है, जिससे मुमरा गोसा में हो चुके हैं सर, तो उनको हमने सामान की तोड़ियाँ बना बना के दिया 20 लोगों को। ऐसा एक अच्छा काम करने की कोशिश किया है। बहुत सारे यतीम बच्चे जो फीस स्कूल के पे नहीं कर पा रहे थे, ऐसे ही कुछ सिलेक्शन करके 3,000 रुपये का 10 बच्चों को चेक दिया गया है। एक बच्ची को 10,000 का चेक दिया गया, वो बच्ची यतीम बच्ची थी। इस तरीके से बहुत सारे बच्चों को सर्टिफिकेट उनके हौसला अफजाई के लिए दिया गया है। तकरीबन ऐसा गिनाऊंगा तो और बहुत सारे चीज़ों को किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। हाँ, ये अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। जो टॉपर्स हैं उनको लैपटॉप दिए गए हैं। तो बस ये कोशिश है अच्छी काम करने की, अच्छी पहल करने की जावेद भाई। सर, लेकिन हमेशा सोशल मीडिया पे जब भी इससे पहले भी प्रोग्राम हुआ था आपका, जब भी ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है तो सोशल मीडिया पे टिप्पणी तो शुरू हो जाती है, उसमें एक टिप्पणी ये भी रहती है कि आप सिर्फ ये दिखावे के लिए करते हैं, एक प्रमोशन के लिए करते हैं। अल्लाह मेरा जानता है कि मैं दिखावा करता हूँ या खुलूस से करता हूँ। अल्लाह मेरा शाहिद है कि मैं ये जो कुछ भी करता हूँ ये इसलिए करता हूँ कि एक फेस्टिवल की तरह प्रोग्राम्स होते हैं मिनिस्टर साहब के। पैसे मैंने, अगर आपने देखा होगा तो इस बार मैंने शहर में होर्डिंग भी बहुत कम लगाई है। मैंने उन सब पैसे को इकट्ठा करके मैंने ये सराहनीय काम किया है। जो लोग आपने कहा जिनको कि ऐसा कहते हैं, मैं उन्हें आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कुछ अच्छे काम नहीं कर सकते हो तो अच्छे काम की सराहना करो। राजनीति और इलेक्शन तो अपनी जगह पर अलग है। वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, आप जहाँ हैं, आप जिसको चाहेंगे उनको सपोर्ट करो, हम उसके लिए आपको मना नहीं करते हैं। लेकिन अगर कुछ अच्छे काम होते हैं तो उसका सराहना करो। उसको सराहना नहीं करोगे तो अल्लाह ताला की लाठी में आवाज़ नहीं है। अल्लाह ताला देखता है कि मैं नेक नियत से कर रहा हूँ या दिखावा कर रहा हूँ। दिखावा तो आप करते हैं क्योंकि आप कमेंट्स करते हैं ग्रुप के अंदर। अगर कहीं कोई कमीज जाती लगे तो मेरा नंबर हर मोबाइल, हर मुमरा में हर किसी के पास है। आप मुझे फ़ोन करके नसीहत दे दो। शमीम खान आपकी नसीहत को कहीं गलत होगा तो मान लेगा, उफ नहीं करेगा। लेकिन दुख होता है जब गलत तरीके का कमेंट्स किया जाता है। खैर, मैं अल्लाह से ही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। आमीन।
आधार कार्ड, आई चेकअप, मुफ्त में चश्मे बांटने का और हेल्थ चेकअप भी रखा ऑर्गेनाइज किया था। अभी तक के आधार कार्ड के 350 लोगों ने अपडेट और बाकी सारी चीज़ें करा दिया और काफ़ी लोग डिमांड पे किस आधार कार्ड के हमेशा ही रहती है लोगों की, तो हम लोगों ने ऑलरेडी उनको कूपन्स दे दिए ताकि वो कल भी आके, हमने एक दिन और एक्सटेंड कर दिया है कि वो ऑफिस पर आके कल भी आधार कार्ड अपना बना लें। राशन कार्ड का जो है 400 लोगों ने एप्लीकेशन अपने जमा कर दिए हैं, हम लोग उसका पूरा फॉलोअप लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के राशन कार्ड बन जाए। और साथ ही 700 लोगों को हम लोगों ने ऑलरेडी चश्मे भी बांट दिए। आज मंत्री एक्स मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड के मौके पर बहुत लोगों ने मुंब्रा के अंदर तरह तरह के कैंप्स रखे थे, एक फेस्टिवल की तरह मुंब्रा में बनाया गया था। हमने यहाँ पर भी देखा कि आपने भी एक कैंप रखा है, किस किस्म का ये कैंप था और क्या हो रहा था यहाँ पर? हमारे आदरणीय एक्स मिनिस्टर, हमारे आमदार लाडले जितेंद्र अवार्ड साहब का जन्मदिन, पूरे मुंब्रा में हर तरह का लोगों ने प्रोग्राम रखकर मनाया गया। मैंने एक अलग ब्लड डोनेट कैंप रखकर उनको शुभेच्छा दिया। ब्लड डोनेट मतलब खून देना सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है और जिससे इंसान की जान बचने की काफ़ी उम्मीद रहती है। अभी जो महामारी कोरोना ख़त्म हुई, अभी स्वाइन फ्लू और मंकी पॉक्स जैसी बीमारियां आ रही, उसको नज़र रखते हुए मैंने ब्लड डोनेशन कैंप रखा और वो भी हमारे लाडले आमदार चंद्र आवाड जी के जन्मदिन के मौके पर एक काम हमने रखा ताकि उनको एक अलग तरह से हम शुभेच्छा दे सकें। तो हम आज 100 बॉटल पूरे किए हम लोगों ने 4 बजे तक और काफ़ी अच्छे खासे लोगों ने यहाँ पर प्रोत्साहन दिया। सभी मुंब्रा के लोग थे, सब हमारे दोस्त यार थे, सब जानने वाले थे और जो मुझे अच्छी तरह जानते वही सब बंदे थे। और 100 बॉटल हमने आज ब्लड लाइन चैरिटेबल ट्रस्ट, जय बोले मित्र मंडल और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कैंप का हमने आयोजन किया था और सक्सेसफुली आयोजन इसका रहा। और साहब भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी हमें प्रोत्साहित किया और हम लोगों ने भी उन्हें शुभेच्छा दी। ये जो ब्लड आपने ब्लड के लिए आपने जमा किया लोगों से, ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने पास रखेंगे या अस्पताल हम देंगे? ब्लड लाइन चैरिटेबल ट्रस्ट जो है बैंक, उन्होंने वो बैंक ब्लड कलेक्ट किया है और जाए वो लोग उसके ऊपर रिसर्च करेंगे ब्लड शुद्धिकरण करके। अगर किसी गरीब को अगर उसकी ज़रूरत लगती है तो हम उन्हें उनके पास भेजेंगे और वो ब्लड उनको कलेक्ट हो जाएगा। मतलब ये ह्यूमैनिटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा? हाँ, जो भी उनका ब्लड क्लीन करने का जो चार्जेस है इनिशियली जो चार्ज है वो उनको देना पड़ेगा और जो 1800 या 1600 रुपये जो गवर्नमेंट चार्ज है वो उनको नहीं देना पड़ेगा। जो होगा उन लोगों को भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा? नहीं नहीं, उनको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जो ट्रांसप्लांट का तो होता है ना, इनके बॉडी तुम जाने में वो चार्ज देना पड़ेगा। तो सर, टोटल 100 बॉटल आप लोगों ने यहाँ से उन लोगों को दिया और जो लोग यहाँ पे ब्लड दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी कोई सुविधा ये ब्लड लाइन कंपनी भी दे रही है? देखो, ऐसा है कि मुझे लगता है कि मेरे को ब्लड देना चाहिए, किसी के काम आ सकते हैं। ऐसे बंदे लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया है, उसके बदले में मुबदला नहीं लिया, उन्होंने किसी की जान बचाने के लिए अपना डोनेट किया है ब्लड, ये खुशी से किया है, तो उसका मुबदला वो कैसा लेंगे? इसी तरीके की वीडियो मैं आपके सामने लाते रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय हिंद।